नेहा, देखिए यहाँ पर बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी सियासत थम नहीं रही है। दिन पर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सियासत कह लीजिए या फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं और ज्यादा तेज हो रही है। अभी तक यहाँ देखा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के द्वारा यहाँ पर बीजेपी ने शिवसेना में फूट डाल दी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का फायदा खत्म होते ही अब देवेंद्र फडणवीस ने अपना रुख जो है वो कहीं और मोड़ते वो नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ एकनाथ शिंदे को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उससे साफ ये व्यतीत हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात पहले से ही तय हो गई थी कि एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस को लॉलीपॉप देकर साइड हटाया गया था, ये कहकर कि कुछ वक्त के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं क्योंकि एकमात्र वही सहारा है जो शिवसेना को तोड़ सकता है। अब यहाँ पर ये बता दीजिए कि देवेंद्र फडणवीस एक महीने में 6 बार चक्कर मारते हैं, आखिर क्यों? इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली से चलने लगी है, या इसके पीछे बीजेपी की कोई और रणनीति चल रही है? क्या यहाँ पर 2.5 साल बाद महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर रणनीति चल रही है, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यहाँ दोबारा से सत्ता में आने की पूरी तैयारी कर रही है? देखिए खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार यहाँ 24 के चुनावों में क्या होता है और फिर विधानसभा चुनावों में क्या होता है। लेकिन इतना जरूर बताते हैं आपको कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को रास्ते से हटाने के लिए देवेंद्र फडणवीस पूरी तैयारी कर रहे हैं, और रास्ते से हटाने के लिए अब उनको चाहे कुछ भी करना पड़े कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़ सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।